चलिए बच्चों, अपना चैप्टर 12th स्टार्ट करते हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर बिल्कुल जो आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर पढ़ा था, बिल्कुल उसी के सिमिलर है। बस वहां पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके बारे में पढ़ते थे। वहां पर आप कुछ इस तरीके से देखते थे कि एक ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस बोलते थे, और यहाँ पर ये चार क्वाड्रेंट बने हुए थे। सॉरी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट बने हुए थे, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट हम लगाते थे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड वाले में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ वाले में प्लस माइनस। ये चीज आपको पता है कि अगर आपको 2, -3 पॉइंट ट्रेस करना है कहाँ होगा, तो आप एक्स एक्सिस मतलब पहले वाला एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा वाई को, मतलब आप एक्स में 2 डिस्टेंस देख लेंगे, और -3 का मतलब है नीचे की तरफ आएंगे, -3 के लिए नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आप आ जाएंगे अप्रोक्स, यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, -3। आप देख सकते हैं इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो बिना पॉइंट लगाए भी हम बता सकते थे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, वही सेम कहानी यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यही सेम कहानी 3D में चलती है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब होता है जिसमें 3 एक्सिस के बारे में बात होती होंगी। दो एक्सिस तो एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल और वाई एक्सिस वर्टिकल होती है, लेकिन 3 एक्सिस का कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, वहां से आपको 3 एक्सिस का कंसेप्ट समझ में आएगा। जैसे बोर्ड पर मैंने एक क्यूबॉइड बनाया है, एक क्यूबॉइड या क्यूब आप मान सकते हैं, क्यूब हमने बनाया है। अगर आप इसके इस अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखें, ये ऐसे रखी हुई है क्यूब, इधर एक्स एक्सिस आप मान लें, ऊपर वाई एक्सिस, और ये जो ऐसे आ रही है ये जेड एक्सिस, और एक्चुअल में ये तीनों परपेंडिकुलर हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा सिचुएशन को इमेजिन कर सकें, तो ये क्यूब रखा हुआ है ऐसे, और ये क्यूब का बैक वाला कॉर्नर है, पीछे की साइड, जो पीछे की साइड वाली जो दीवार होगी, ये जो दीवार होगी पीछे की साइड, ये जो आपको एक स्क्वायर सा ये बैक वाली दीवार है, ये वाली सामने की है। मैं अगर इनके नाम लिख दूं, ओ ए बी सी, ये जो ओ ए बी सी ये वाली फ्रंट बैक वाली इसकी दीवार है। अगर मैं इसका नाम करूं, ये जो पी क्यू आर एस मैंने बनाई, ये फ्रंट वाली है। तो मैं कह रहा हूँ इस बैक वाली में जो एंड पॉइंट, यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, इसे इसे अगर हम ओरिजिन मान लें, और यहाँ से 3 लाइन परपेंडिकुलर गई हुई है, एक लाइन इधर, एक लाइन ऊपर की तरफ और एक इधर, ठीक है। तो ये वाली लाइन होती है जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और एक्चुअल में मैं आपको ओरिजिनल बात बताऊं, तो जो 2D ज्योमेट्री है उसमें हमेशा हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, लेकिन इसमें ना अलग अलग ऑथर अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग बुक में अलग हो सकता है। जैसे कोई इसे एक्स एक्सिस बोलेगा, कोई इसे वाई बोलेगा, उसे जेड बोलेगा, इस तरीके से चल जाता है। यहां मैंने इसे एक्स एक्सिस, इस वाली को वाई, और इसे मैंने जेड बोला है, ठीक है ना। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप पॉइंट को लोकेट करेंगे, तो पॉइंट में भी 3 आती है वैल्यू, इस तरीके के पॉइंट होते हैं। जैसे 2D में तो सिर्फ एक्स कोमा वाई से काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो एक्स कोमा वाई कोमा जेड से हमें पता चलेगा। तो इसके लिए आप एक वीडियो देखिए, मतलब एक छोटी सी मैं इमेज और दिखा रहा हूँ आपको, उसे समझिए। आप स्क्रीन पर एक ये फिगर देख रहे होंगे, और इस टाइप की फिगर आपने अपनी कंप्यूटर लैब में देखी होगी या कहीं बैंक वगैरह में देखी होगी, जिन पे कंप्यूटर रखे होते हैं ना, उस टाइप की डेस्क सी रखी होती है। और ये सामने जो आपको एक ग्रीन और रेड कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये एक क्यूबॉइड बॉक्स है। क्यूबॉइड मतलब इसमें एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है, ठीक है। इस रेड के बैक साइड में भी एक एक इसका सरफेस रहा होगा, इसी तरीके से टोटल 6 सरफेस होते हैं इसके। तो इसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ और एक हाइट, और ये आप जानते हैं कि लेंथ ब्रेथ और हाइट, जैसे इसकी लेंथ वाई, ब्रेथ एक्स और हाइट जेड। फिगर में क्लियर दिख रहा होगा आपको, तो इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो 3D को समझने के लिए आप इसी बॉक्स को ध्यान से देखिए, जो इसकी लेंथ है वाई, वो वाई एक्सिस बना दी गई, जो हाइट है इसकी जेड, उसे जेड एक्सिस, और जो ब्रेथ
वाई है, सॉरी जो ब्रेथ एक्स है उसे एक्स एक्सिस बना दिया गया। तो अब अगर ध्यान से देखें, ये एक्स वाई और जेड पीछे वाले सरफेस पे जिस कॉर्नर पे जाके मिलती होंगी तीनों, वहां ओरिजिन होता है, वहां पर ओरिजिन मानते हैं हम उसे। तो इस बॉक्स के अंदर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको तीनों की जरूरत पड़ेगी कि कितनी लेंथ और कितनी ब्रेथ में जाके कितनी हाइट पर हमें वो पॉइंट ट्रेस करना है। मतलब किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बोला जाता है। तो जिस सरफेस पर ये बॉक्स रखा हुआ है, अगर आप उस सरफेस को ध्यान से ऑब्जर्व करें, इस टाइप के यहाँ पर आठ सरफेस हैं। एक तो यही है जिसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, एक इसके नीचे है इसी टाइप की, इसी टाइप का एक इसके नीचे है अगर हम स्पेस की बात करें, इसी टाइप का एक स्पेस इसके आगे की साइड में है, एक उसके नीचे है और एक स्पेस लेफ्ट में। तो आप अगर टोटल काउंटिंग करें तो यहाँ पर आठ आठ स्पेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह देखिए, टोटल आठ होंगे। तो ये जो स्पेस बने हुए हैं ना, तो इनको ऑक्टेंट नाम दे दिया जाता है, एक वर्ड आता है ऑक्टेंट। तो किसी भी जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की हम बात करें तो टोटल आठ ऑक्टेंट होते हैं उनमें। और ये जो जैसे प्लाईवुड के तख्ते से जो लगे हुए हैं ना, ये जैसे लैब में प्लाईवुड के जो तख्ते लगे होते हैं, जैसे एक ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाला, ध्यान से देखिए वाई और जेड वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, इसे हम वाई जेड प्लेन बोलेंगे। ऐसे ये हाइट और लेंथ वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये एक्स और जेड वाला, इसे एक्स जेड प्लेन बोलेंगे, ठीक है ना। तो वाई जेड प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन होगा, एक जिस प्लेन पर ये रखा हुआ है उसे एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। तो इस फिगर में ओरिजिन क्या होगा, वो जहां पर ये मिला हुआ है। इस चीज को समझने के लिए आप सही से आप ये फिगर देखिए। देखिए इस फिगर में ये वाई एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन, जेड एक्सिस वर्टिकल लाइन और एक्स एक्सिस ये आपकी तरफ आते हुए लाइन है, सरफेस से बाहर की तरफ। ध्यान से देखिएगा इसे। अब इसमें ये जो एक ऑरेंज दे रखा है, ऑरेंज से कलर का एक रेड सा, ये एक ग्रीनिश कलर में है और एक कुछ वॉयलेट सा है, ये तीन सरफेस हैं। ये तीन एक्चुअली, ये जो वॉयलेट की मैं बात करूं ये वाई जेड प्लेन है, ये जो ऑरेंज है ये एक्स जेड प्लेन कहलाता है, और ये जो ग्रीन है ये एक्स वाई प्लेन कहलाता है। तो एक्सिस से जो प्लेन बनते हैं, एक तो ये होते हैं, इसके अलावा एक्सिस होती हैं, और इसमें आठ ऑक्टेंट होंगे इसी तरीके के जो हमने पीछे वाली फिगर में देखे, टोटल आठ ऑक्टेंट हुए। अब इन्हीं ऑक्टेंट में, इस पूरी 3D में, इन ऑक्टेंट में जो साइन कन्वेंशन चलता है ना, जैसे आपका 2D में चलता था प्लस माइनस वगैरह, उसी तरीके से इनमें भी चलता है। जैसे इसने जो पॉइंट ले रखा है, इस फिगर में पॉइंट ले रखा है 2.3, दिखाई दे रहा है आपको ये 2.3.5। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर 2 डिस्टेंस ट्रेवल की, वाई पर 3 और जेड एक्सिस पर 5 डिस्टेंस जाके, ये एक्चुअली आपको देखने में फिगर में ये लग रहा होगा कि ये पॉइंट वाई जेड प्लेन के ऊपर है, लेकिन ये वाई जेड प्लेन के ऊपर नहीं है, वाई जेड से थोड़ा सा उठा हुआ है, स्पेस में है ये पॉइंट। तो ज्यादा क्लियर हो नहीं पाती, 3D स्पेस में रहते हैं पॉइंट। तो ऑक्टेंट का साइन कन्वेंशन देखने के लिए एक टेबल। अब ये जो ऑक्टेंट का कंसेप्ट आपने समझा है, ऑक्टेंट में तीन चीजें होंगी, एक्स वाई और जेड, तो उनका साइन कन्वेंशन समझते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। उसके लिए मैं आपको एक टेबल जनरेट करनी सिखा रहा हूँ। एक टेबल हम बनाएंगे यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, आप पहले यहाँ पर आठ ऑक्टेंट लिख लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और एट, आठ ऑक्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब आपको क्या करना है, अगर आपसे पॉइंट देकर पूछा जाए कि ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में पड़ेगा, तो आपको इस टेबल की हेल्प लेनी है। ये टेबल आपको याद तो नहीं होगी, अगर आप याद करने लगेंगे तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगी, लेकिन बनाना आसान है। इसे मैं आपको बनानी सिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ये टेबल बनेगी कैसे, और इसके अकॉर्डिंग फिर बताऊंगा कि पॉइंट को हम कैसे पता लगाएंगे कि वो पॉइंट किस ऑक्टेंट में है। ओके, सबसे पहले क्या करिए, आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो पता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये आपको पता है। अब क्या करिए, आप इन्हीं को रिपीट कर दीजिए, ये जो फर्स्ट था वो फिफ्थ जैसा हो जाएगा, प्लस प्लस,
माइनस प्लस, ध्यान देना देखिए, ये चार तत्व हमने ऐसे लिखा, चार तक हमने ऐसे लिखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी होता है आप इन्हें ही वापस रिपीट कर दीजिए, प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस, आपने रिपीट कर दिया। ये दो कॉलम आपके तैयार हो गए। तीसरा कॉलम बनाने के लिए जेड में पहले तो चारों को प्लस कर दीजिए, फिर बाद के चारों को आप माइनस कर दीजिए। तो आसान है, क्या किया आपने, पहले चार में ये एक्स और वाई का साइन कन्वेंशन बिल्कुल 2D की तरह है, फिर इसी साइन कन्वेंशन को हमने रिपीट किया, यानी जो फर्स्ट का था वही फिफ्थ का होगा, जो सेकंड का था वो सिक्स का, थर्ड वाला सेवन्थ और फोर्थ वाले को एट्थ में हमने लिख दिया। इतना करने के बाद जेड का साइन कन्वेंशन आपको देखना है, तो जेड में पहले चारों तो प्लस रहेंगे और बाद के चारों माइनस रहेंगे। अब अगर आपसे कोई पॉइंट दे दे कि आप बताइए -2, 3, 7 ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में पड़ेगा, मान लिया आपको इस पॉइंट का पता करना है -2, 3, 7, तो डिजिट से कुछ लेना देना नहीं है, आप ये देखिए ये है माइनस प्लस और प्लस, तो यहाँ ढूंढिए माइनस प्लस प्लस वाला कौन सा है, तो आपको दिखेगा ये सेकंड, तो ये सेकंड ऑक्टेंट में हो जाएगा। सेकंड में एक्स नेगेटिव है, वाई और जेड दोनों पॉजिटिव है। अब अगर आपसे कोई पॉइंट कहने लगे कि ये वाला पॉइंट बता दीजिए किस ऑक्टेंट में होगा, तो आपने देखा एक्स पॉजिटिव, वाई और जेड दोनों नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये मिल जाएगा आपको, आखिरी वाला दिखाई दे रहा हूँ, तो ये एट तो ऑक्टेंट में होगा। तो इस तरीके से हम पॉइंट देख सकते हैं। एक और देख लीजिए आप, मान लिया कहीं आपको 3, -2, 7, मतलब एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, प्लस माइनस और प्लस आपको देखना है, तो प्लस माइनस और प्लस के लिए ये फोर्थ ऑक्टेंट मिल गया। तो उम्मीद है ऑक्टेंट तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस ऑक्टेंट में है। ठीक है, अब हम प्लेन की बात करें। जैसे आपने अभी फिगर में देखा था कि वाई जेड प्लेन होता है, एक्स जेड प्लेन होता है, तो ध्यान रखना अगर कोई भी पॉइंट प्लेन के ऊपर होगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन, तो उस पॉइंट में एक्स और जेड तो रहेंगे लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ठीक है, तो अगर कोई सी एक डिजिट जीरो हो जाती है, जैसे सपोज हमने कहा कि 307 की इस पॉइंट की लोकेशन बताइए, तो ये पॉइंट किसी ऑक्टेंट में नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई एक डिजिट जीरो हो जाती है, देखिए यहाँ पर वाई वाली जीरो हो गई, एक्स और जेड नॉन जीरो है, तो ये कह देंगे कि ये वाला पॉइंट पड़ेगा एक्स जेड प्लेन के ऊपर। ठीक है, या फिर इसी को एक्स ओ जेड भी लिखा हो सकता है आपकी बुक के अंदर, एक्स ओ जेड या एक्स जेड प्लेन दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, ऐसे मान लिया कोई आपसे पॉइंट पूछने लगे कि -1, 3, 0 ये पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा, -1, 3, 0, तो आप इसमें देखिए इसमें जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, जेड वाला जीरो है, तो मतलब ये ऑक्टेंट में तो नहीं होगा। अगर कोई भी एक डिजिट जीरो हो जाती है तो ऑक्टेंट में नहीं होगा, वो प्लेन के ऊपर पड़ेगा। किस प्लेन के ऊपर पड़ेगा, यहाँ एक्स और वाई बचे सिर्फ, तो ये पड़ेगा एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। एक और लोकेशन होती है पॉइंट की कि अगर उसमें दो जीरो आ जाती है, आप ऐसे समझिए मान लो कोई पॉइंट आ गया 0, 0, 5, दो जीरो आ जाती है उसमें, पॉइंट आया 0, 0, 5, तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऑन जेड एक्सिस होगा, मतलब ये पॉइंट किसी प्लेन पर भी नहीं होगा, ये जेड एक्सिस के ऊपर होगा। तो अगर किसी पॉइंट में दो जीरो आ जाती है, दो जीरो आ जाती है, तो वो किसी एक्सिस के ऊपर पड़ता है। यहाँ समझिए, जैसे आप मान लिया आपको मिला कोई 3, 0, 0, तो इस पॉइंट की लोकेशन आपसे पूछने लगे, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। कहाँ होगा ये पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो है लेकिन वाई और जेड इसमें नहीं है, तो ये पॉइंट हम कह देंगे ऑन एक्स एक्सिस। तो मोटी सी बात ये है कि अगर आपसे ये कहे कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ध्यान से सुनना, आपसे कोई ये कहे कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट बताइए, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी। जो पॉइंट जिस एक्सिस के ऊपर होता है वो कोऑर्डिनेट तो नॉन जीरो रहेगा, बाकी दोनों जीरो हो जाते हैं। यही सेम सिचुएशन प्लेन की कंडीशन में है कि अगर कोई एक्स जेड प्लेन के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, कोई जेड एक्सिस के ऊपर है तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। ठीक
ठीक है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, ओरिजिन के होते हैं 0 0 0। ओरिजिन के लिए तो तीनों ही एक्स वाई और जेड तीनों 0 हो जाते हैं। तो हमने बेसिकली क्या समझा, एक तो इस टाइप के जिनमें कोई भी 0 नहीं है, तीनों नंबर नॉन जीरो हैं, तो ये किसी ऑक्टेंट में पड़ेंगे। और ऑक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल की हेल्प लेंगे आप, ये टेबल आप बनानी सीख गए। अगर एक 0 आ जाती है पॉइंट के अंदर, एक 0 आ जाती है, तो वो किसी प्लेन के ऊपर पड़ेगा। वो प्लेन जो भी 0 है, जो 0 है उसी एक्सिस को छोड़ के बाकी दोनों मिला लेंगे आप, जैसे ये एक्स जेड प्लेन के ऊपर। तो अगर एक 0 है तो किसी प्लेन के ऊपर पड़ेगा। अगर 2 0 आ जाती है, जैसे इस वाले में 2 0 आ गई, तो वो एक्सिस के ऊपर पड़ेगा। और अगर तीनों ही 0 आ गई तो ओरिजिन होगा फिर, ठीक है। तो इस पूरी एक्सरसाइज 12.1 में आपसे यही सारी छोटी छोटी बातें पूछी गई हैं, आप इसे इजीली कर लेंगे। ओके, तो ये वीडियो देख के आप एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।